कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सवेसाहुणम। गुरुवापांतनो नित्यम ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका मोक्ष मार्गोपदेशका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य निर्ग्रंथ श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य निर्ग्रंथ श्रवण सुब्रत सुरेश सागर जी महाराज की निर्ग्रंथों का जीवन स्व और पर कल्याण के लिए हुआ करता है। ऐसे अनंत उपकारी स्वपर हितकारी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम सभी के ऊपर अनंत उपकार है, जो उन्होंने आज के दिन हमें ऐसे एक नहीं दो नहीं तीन तीन निर्ग्रंथ श्रवण प्रदान किए, जो अपने नाम से ही यथा नाम गुरु की उस कीर्ति के ध्वजा को चहुं ओर फहरा रहे हैं। ऐसे परम उपकारी गुरुवर आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, जिनका आज हम सभी 13वां निर्वाण दीक्षा दिवस मना रहे हैं, उनके ही मुखारविंद से हम प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से सौ शिल्पी नंदिनी डॉक्टर अंकित पुरवाल परम पूज मुनि श्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव स्थूल सत्य और सूक्ष्म सत्य को जिनागम कैसे देखता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जिनागम में सत्य के अनेक भेद गए, उन अनेक भेदों में 10 भेद सर्वमान्य कहे गए। उन 10 भेदों में भी हमें उस सूक्ष्म और स्थूल रूप से सत्य को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो निर्ग्रंथों की अपेक्षा से सत्य धर्म या सत्य की परिभाषा की जाती है वह सूक्ष्म सत्य है, और श्रावकों के लिए जो सत्याणु व्रत का व्याख्यान प्राप्त होता है वह स्थूल सत्य। जो श्रावक है उस श्रावक की अपेक्षा से ऐसा झूठ या ऐसा सच नहीं बोलना जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के जीव को कष्ट हो, ऐसे जो मात्र और मात्र स्थूलता से यानी मोटा मोटी रूप से जो झूठ बोलने का त्याग है वह स्थूल सत्य कहा गया। और जहाँ निर्ग्रंथों की अपेक्षा से मौन कहा गया, फिर मौन के बाद मन गुप्ती कही गई, मन वचन गुप्ती, इन गुप्ती के बाद
भाषा समिति, सत्य धर्म, सत्य महाव्रत, ये जितना भी सत्य का व्याख्यान है वहाँ पर वह सूक्ष्म सत्य के कोटि में आने वाला है। जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी वह सूक्ष्मता उस सूक्ष्म सत्य की बढ़ती जाए। कहने का अभिप्राय इतना है, जब सत्य महाव्रत का व्याख्यान होगा तब वह उस मौन और वचन गुप्ती की अपेक्षा से स्थूल सत्य कहलाएगा। सबसे सूक्ष्म सत्य अगर कुछ है तो मौन रहना, वचन की गुप्ती को धारण करना, यही सबसे सूक्ष्म सत्य का। और श्रावकों की अपेक्षा से जो सत्यमपि विपदे, ऐसी व्याख्या करते हुए जो सत्याणु व्रत का व्याख्यान किया है, वह उनकी अपेक्षा से सबसे निम्न कोटि का यानि सबसे स्थूल पाप का व्याख्यान समझना होगा। अपेक्षा अपेक्षाकृत स्थूलता और सूक्ष्मता समय समय पर अपेक्षा के कारण से बदल सकती है, पर ये मुख्यता से ये हम समझें कि मुनिराजों के लिए सूक्ष्म और श्रावकों के लिए स्थूल सत्य की व्याख्या प्राप्त होती है। सीधी बात है, जो महाव्रत है, महाव्रतों से सूक्ष्म आगे बढ़ते हुए सत्य महाव्रत से भी अगर सूक्ष्म कुछ है तो भाषा समिति भी से भी सूक्ष्म व मनोगुप्ति, मौन आदि आदि क्रम से उसकी स्थूलता और सूक्ष्मता समझनी होगी। ये परिपूर्ण रूप से जहाँ नौ कोटि से झूठ बोलने का, असत्य बोलने का त्याग होता है, वहाँ हम सूक्ष्म सत्य स्वीकार कर सकते हैं। और जहाँ एक देश पापों का या एक देश झूठ बोलने का त्याग किया जाता है, ऐसे उस श्रावकों के निमित्त से उसे हम स्थूल सत्य कह सकते हैं। इतना ही नहीं अपितु और भी इसका बहुत सारा विस्तार समझने योग्य है, पर समय अभाव में इतना ही। आपको एक दूसरे के तारतम्यता से सूक्ष्मता और स्थूलता को समझने की आवश्यकता है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प मुंबई महाराष्ट्र से चेतन प्रकाश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, गृह चैत्यालय का स्वरूप क्या है? आगम के परिप्रेक्ष्य में हम उस गृह चैत्यालय के स्वरूप को कैसे समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे दिगंबर आचार्यों ने बहुत सारी आगम की परिभाषा और आगम की व्यवस्थाओं को समझाते हुए बहुत सारे ऐसे वर्तमान में अनछुए या अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसको किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु जिनागम में उसका परिपूर्ण रूप से व्याख्यान प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जिनागम में आचार्य भगवंतों ने तीन प्रकार के चैत्यालय की व्याख्या की, एक गृह चैत्यालय, दूसरा चल चैत्यालय और तीसरा जो मंदिर आदि के रूप में शिखरबद्ध चैत्यालय होता है, वह तीसरे प्रकार। उसमें से जो चल चैत्यालय है, यानी कोई श्रावक एक नगर से दूसरे नगर के लिए व्यापार के लिए या तीर्थ यात्रा आदि के लिए गमन करता है, क्योंकि वर्तमान में जैसे आधुनिक साधन है वैसे साधन पूर्व काल में नहीं थे। शिखर जी भी पहुंचना है, कहीं तीर्थक्षेत्र में पहुंचना है तो महीनों महीनों की यात्रा करनी पड़ती। उस अपेक्षा से श्रावकों के लिए वह चल चैत्यालय की व्यवस्था भी आगम में लिखी, साथ में गृह चैत्यालय की भी व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, घर का वह योग्य स्थान जहाँ में द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव इनकी परिपूर्ण रूप से शुद्धि होती है, ऐसे स्थान पर वह 9 इंच से छोटी जो प्रतिमा भगवान की विराजमान की जाती है, ऐसे उस भगवान के उस चैत्यालय को यानी घर में होने से उसे गृह चैत्यालय कहा गया। उसके लिए बहुत सारी विस्तार से व्याख्या आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखी है, कितने इंच की, कौन से भगवान की। उसके साथ ये भी व्याख्यान प्राप्त होता है कि जो पंच बाल्यति है इनको छोड़कर शेष तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा घर में विराजमान की जा सकती है, कितने इंच की, किस दिशा में, किस प्रकार से आदि, बहुत विस्तार से उसका व्याख्यान प्राप्त होता है।
आगम में आचार्य भगवंत इतना कठोर शब्द कहते हैं कि जिसके घर में ये गृह चैत्यालय नहीं है और जिसका घर घर में कभी निर्ग्रंथ के चरण नहीं पड़े वह एक चिड़िया के घोंसले के समान है, ऐसा आचार्य भगवंत बहुत सारे अपने ग्रंथों में कहते। उसमें से भाव संग्रह प्राकृत नाम का एक ग्रंथ है, उसके ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे इन अनछुए प्रश्नों को हम उनके उत्तरों को प्राप्त करने की वहाँ संभावना है। इसलिए अगर विस्तार से आपको समझना है तो उसका स्वरूप बहुत विस्तार से आचार्य भगवंतों ने बताया है कि कितनी ऊंची वेदी होनी चाहिए, कैसा उसका दिशा दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, भगवान की पीठ किस दिशा में, आदि बहुत लंबे चौड़े सिद्धांतों का या उसके स्वरूप का व्याख्यान किया है। पर संक्षेप में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि गृह चैत्यालय परिपूर्ण रूप से योग्य स्थान और द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी शुद्धि के साथ करना होगा। वर्तमान में कई सारे स्थानों पर जिस कमरे में भोजन है या जिस कमरे में आराम करने जा रहे हैं आदि आदि जहां सांसारिक कार्य होते हैं उनसे उसकी दूरी बनाकर वह व्यवस्था बनाने की आगम में आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था बताई। घर का मतलब मात्र चार दिवालियों का ही नहीं, उनका जो आंगन कोट परकोटा आदि स्थान है उनमें व्यवस्थित रूप से स्वतंत्रता से उस भगवान की वेदी मंदिर आदि विराजमान करना, ये एक सामान्य रूप से गृह चैत्यालय का स्वरूप है। विशेष रूप से आगम ग्रंथों से या फिर कभी साक्षात आकर उसके विषय में समझने का प्रयास करना, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिल जैन मढ़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, मैं अनिल जैन उमेश इलेक्ट्रॉनिक्स मढ़ावड़ा। मेरा प्रश्न है कि जो विकलांग होता है पैसे या कुछ भी से, तो वह शांति धारा अभिषेक नहीं कर सकता है, और यदि वो भावना भाए तो उसको पुण्य बंधक होगा या नहीं? पहले तो ये बात समझना आवश्यक है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से विकलांग है, और उसकी विकलांगता को देखने के उपरांत ही वह अभिषेक आदि आदि नहीं कर सकता है कर सकता है ये निर्णय करना होगा। और माना कि जैसे कि आपने कहा उस विकलांगता बहुत बड़ी मात्रा में दिख रही है या जैसे आगम में व्याख्यायित है कि वह अंग भंग वाला या बहुत अधिक विकलांग व्यक्ति मन से हो शरीर से हो तो वो अभिषेक पूजा नहीं कर सकता, ये आगम के परिपेक्ष में सत्य बात को समझते हुए हमें ये भी निर्णय करना होगा। माना कि वो शरीर से नहीं कर पा रहा है पर उसकी भावना है कि मैं अभिषेक देखूं करूं या मुझे करने की इच्छा हो रही है उस व्यक्ति को, तो नियम से वह पुण्य का आश्रवंध तो करेगा, क्योंकि काय वांग मनहा कर्मयोगा स आश्रवा, शरीर से मन से और वचन से जीव योगों को प्राप्त करते ही कर्म के आश्रय को प्राप्त करता है। और मन में उसके जो शुभ परिणाम हो रहे हैं पूजा अभिषेक करने की, भले ही वो शरीर से नहीं कर पा रहा है पर मन से जो उसके परिणाम हो रहे हैं नियम से उसको उसका पुण्य रूप फल मिलेगा, इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आगम में कृत कारित अनुमोदना इन तीन शब्दों का भी उल्लेख मिलता है, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरों से कराना, और अनुमोदना यानी कोई कर रहा है तो उसके लिए ये कहना बहुत अच्छा कर रहा है, मेरी शक्ति नहीं है आप कर रहे हो मैं भी कर सकूं शायद, इन भावों से अगर वह परिपूर्ण रूप से पूर्ण रूप से युक्त है तो नियम से पुण्य का बंध आश्रय कर सकता है। अनुमोदना करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि भले ही हम वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं, हाथ नहीं लगा पा रहे हैं अभिषेक शांति धारा में, पर कम से कम हम ऐसी स्थिति में हो जिस स्थिति में हम शांति धारा अभिषेक देख सकें, और देखते हुए अगर हम ये भावना भा रहे हैं कि मैं भी ऐसी अभिषेक शांति धारा कभी करूँ या मेरे भी करने के भाव है, तो नियम से पाप का बंध कम होते हुए यानी पाप का आश्रय रुकते हुए हम पुण्य के आश्रय को वह जीव अवश्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप
उस व्यक्ति को ये अवश्य समझाने की आवश्यकता है कि भले ही वो कर पाए शरीर से नहीं कर पाए, पर करने वालों की अनुमोदना कर रहे हो, करने वाले के लिए सहयोग दे रहे हो, भले ही मन से वचन से बहुत अच्छा किया, आप रोज करो, मुझे गंदो दख दो या मैं भी देखने पहुंचूं, इन भावों के द्वारा अगर अनुमोदना उस विकलांग व्यक्ति ने की है तो नियम से उसे पुण्य का बंध होगा। इसमें किंचित भी किसी भी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए बाहुबली कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं श्रीमती सुनीता जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनि द्वय के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी समीचीन जिज्ञासा ये है कि जब हम कहीं धार्मिक सभा में कोई धार्मिक नाटक का अभिनय करते हैं और उस नाटक के अंदर जब हम कभी कोई नियम लेते हैं तो उस नियम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मेरी इस सम्यक जिज्ञासा का समाधान करें। अभिनय में या नाटक आदि में भी अगर व्यक्ति पात्र बनता है और उस पात्र के अनुकूल अभिनय करते हुए या प्रयास करते हुए कुछ कार्य करता है तो नियम से उसका पुण्य पापों से अवश्य लगता है। अगर विपरीत कार्य करते हुए किसी गलत कार्य की नकल उतार रहा है, गलत व्यक्ति की नकल उतार रहा है, तो नियम से तत्क्षण तत्प्रकार के हमारे परिणाम, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे वचन और हमारी काय होने से तब जो भी आश्रव होगा वह परिपूर्ण रूप से अशुभ होगा, अगर हम अशुभ रूप कार्य करते हुए अभिनय कर रहे तो। वहीं पर अगर हम नाटक आदि में शुभ पात्र बन रहे हैं या अच्छा कोई किरदार निभा रहे हैं तो उसने किए हुए उन चाहे वह नियम का हो या अन्य कोई अभिनय हो, अगर वास्तव में हम भावों के साथ उनको कर रहे हैं तो नियम से उसका हमें प्रतिफल पुण्य रूप ही प्राप्त हो सकता है। पर ये भी आवश्यक है कि वहाँ मात्र शरीर से नहीं हो, मन वचन और काय तीनों से वास्तव में यही अभिप्राय हो कि आज भले ही मैं नाटक में ये पात्र बन रहा हूँ, नियम ले रहा हूँ, वह भी सौभाग्य मेरे पास पहुँचे कि या वह भी सौभाग्य बात मैं बन जाऊँ कि मैं साक्षात उस पात्र तक पहुँचूँ। जैसे पंचकल्याणक आदि में सौधर्म आदि आदि के पात्रों की चयन होता है, उन पात्रों को बनाया जाता है। आगम में ये भी लिखा है भले ही साक्षात सौधर्मेंद्र नहीं है, कुबेर नहीं है, पर फिर भी जैसे स्थापना से उस प्रतिमा में हम भगवान मान के पूजा करने से कर्मों के निर्जला करते हैं और वास्तव में ऐसा ही उस पंचकल्याणक में अभिनय में नाटक में अगर हम बिल्कुल उस कैरेक्टर में या उस किरदार में बिल्कुल घुसते हुए उनके ही भावों के तरह एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं या बिल्कुल अपने आप को वैसा ही मानते हुए नियम लेने का व्रत लेने का संकल्प कर रहे हैं, भाव भा रहे हैं, तो नियम से पुण्य का आश्रय होगा, इसमें कोई भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, जो सौधर्म के निमित्त से पंचकल्याणक में कहा है वो तो मात्र 5 ही दिन का है, वो भी मात्र अभिनय के रूप में ही या एक पात्र के रूप में ही चुना गया है। ऐसे ही अगर हमने वास्तविकता में सच्चे भावों से सच्चे मन वचन काय से अगर उन किरदारों को निभाने का पुरुषार्थ किया है तो शुभ रूप परिणाम किए हैं तो हमें शुभ रूप होगा, या अशुभ रूप किरदार निभाए हैं तो विलन के प्रकार से अगर हमने काम किया है नाटक में तो वैसे ही पाप का भी आश्रय होगा और अच्छे रूप से किया है तो पुण्य का आश्रय होगा, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजू सेठ कटरा बाजार सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दय मुनिराजों के चरणों में बारंबार मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिराज, कहते हैं कि मंदिर में दान देने से हम सभी को बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, किंतु हमें यह भी देखने में आता है कि हमारे आसपास या हमारे भाई बंधु रिश्तेदार जिनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो मेरा यह समाधान आप कृपया समाधान करें कि हमें क्या मंदिर में पहले दान करना चाहिए या जो ज़रूरतमंद हैं हमारे भाई बंधु उनकी मदद करना चाहिए, किस कार्य में हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, कृपया सम्यक समाधान करें। माँ आगम में
तीन प्रकार की दत्ती कही, एक दया दत्ती, दूसरी समदत्ती और तीसरी पात्र दत्ती। जो मंदिर निर्ग्रंथ शास्त्र आदि के निमित्त से जो हम दान दे रहे हैं वह परिपूर्ण रूप से पात्र दत्ती के अंतर्गत आएगा। जिस पर दया करते हुए करुणा से युक्त होकर उसको हम मदद कर रहे हैं, आवश्यकता होने पर कुछ द्रव्य या सामग्री दे रहे हैं, तो वह दया दत्ती है। और अपने ही समाज के व्यक्ति को या अपने पास वाले किसी व्यक्ति को अपने समान बनाने के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है वह समदत्ती है। इन तीनों में पुण्य का तो बंध होगा, पर विशेष पुण्य का बंध अगर कहेंगे तो वहाँ पर पात्र दत्ती के निमित्त से ही, जो देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हम दान देने दे रहे हैं या देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके ही निमित्त से हमें विशेष विशेष रूप से पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए प्रयास व्यक्ति को यही करना चाहिए कि हम अपने उस धन का, संपत्ति का इस प्रकार से नियोजन करें जिसके कारण से हम जीवों में आंशिक रूप से दया करते हुए दया दत्ती के लिए कुछ पैसे या कुछ रकम उसके लिए दे दी जाए, कुछ दान के रूप में दे दी जाए। जैसे एक व्यापारी अपने धन का, व्यापारी नहीं गृहस्थ हो, गृहिणी हो, धन मिले हुए धन का व्यवस्थित नियोजन करते हैं, इतना आज के खर्चे के लिए, कुछ बच्चों के लिए, इसी प्रकार से अगर उस धनराशि का हम ये सम्यक निर्णय करें, कुछ ज़रूरतमंद के लिए दे, उससे भी कुछ अंशों में पुण्य मिलेगा, पर तीव्र पुण्य का आश्रय हमें उस मंदिर आदि या पात्र दान आदि के निमित्त से मिलेगा, तो कुछ अंश उसके लिए, कुछ ज़रूरतमंद के लिए, ऐसा अगर बैलेंस बना के कार्य करेंगे तो हमारी दयादत्ती भी हो गई, हमारा पात्रदत्ती भी हो गई, दोनों में समतोल होने से हमें पुण्य का भी आश्रय मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर पुण्य दोनों जगह मिलेगा। इसलिए समय का और आवश्यकताओं का नियोजन करते हुए, माना कि मंदिर में बहुत ज़रूरी आवश्यकता थी और हमने वहाँ दान दिया, कुछ दिन बाद फिर जो ज़रूरतमंद रिश्तेदार था उसको किया, या उसको बहुत ज़रूरी थी, किसी की स्कूल की फीस भरनी थी उसको पहले दिया, फिर कुछ समय बाद मंदिर को दिया, ऐसा समय को और आवश्यकताओं को देखकर नियोजन करने से हमें वह पुण्य का फल प्रतिफलित होने की संभावना है। पर सबसे अधिक पुण्य हमें पात्र दान यानि देवशास्त्र गुरु के निमित्त से दिए गए हुए पात्र दत्ती में लगेगा, अन्य में भी लगेगा, पर सबसे अधिक इसमें लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधि। मनोज जैन केसली सागर मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन में कल के लिए हमारे सामने। बोले परम पूज 108 सुप्रभ सागर जी महामहाराज की जय। बोलो परम पूज 108 मुनि श्री प्रणत सागर जी महामहाराज की जय। हे गुरुदेव, मेरा विकल्प यह है कि जब शांति धारा का उच्चारण होता है, सब शांति धारा बोली जाती है महाराज जी, तो उस समय जब वो तथास्तु और सदास्तु बोलने का समय आता है तो कुछ लोग सदास्तु बोलते हैं और कुछ लोग तथास्तु बोलते हैं। तो हे गुरुदेव, मेरा यह विकल्प है कि तथास्तु और सदास्तु में क्या अंतर है और वहाँ क्या उचित शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यह मेरा समीचीन विकल्प का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। शांति धारा आदि के निमित्त से जब नित्य मारोगस्तु या कल्याणमस्तु ऐसा कहने के उपरांत जो सदास्तु या तथास्तु कहा जाता है, उन दोनों शब्दों को और उनके अर्थों को समझने की आवश्यकता है। जहाँ तथास्तु कहा जा रहा है उसका अभिप्राय जैसा आपने सोचा है या कहा है, तथा अस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उसका अर्थ आता है। और सदास्तु का अर्थ होता है सदा अस्तु, सदा ही आपने जैसा सोचा है वैसा हो। इसलिए अर्थ को समझने से ये निर्णय करना होगा कि दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग हो, वहाँ हमें लड़ने की या समझ बहस करने की या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का लगभग लगभग एक सा ही अर्थ है, ऐसा हो और सदा ऐसा हो, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। जिसको जैसा कहना है वो कह सकता है, क्योंकि दोनों का अभिप्राय वही है कि किसी ने कहा, मतलब शांति धारा में कहा कि नित्य आरोग्य मस्तु, नित्य आरोग्य की प्राप्ति हो, तो हाँ वैसा ही हो,
ये तथास्तु का अर्थ हुआ, हाँ सदा के लिए हो, ये सदास्तु का अर्थ हो गया। इसलिए चाहे सदास्तु हो चाहे तथास्तु हो, दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है तो वहाँ किंचित भी भेद या किंचित भी उसमें दोष नहीं है। वह दोनों भी शब्द परिपूर्ण रूप से अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य है और दोनों में से कोई भी शब्द का प्रयोग करते हुए अगर सच्चे भावों से शांति धारा पढ़ी सुनी देखी करी गई है तो नियम से वह हमारे साथ भी तथास्तु या सदास्तु हो सकता है, वैसा ही सदा हमारे साथ हो। इस अभिप्राय से वे दोनों शब्द हैं, कोई भी शब्द लेकर हमें उसको परिपूर्ण रूप से हम उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किंचित भी विकल्प ना करें, क्योंकि बहुत सारे जीव शब्दों में अटक कर उस शांति धारा में विघ्न करते हैं। पर शांति धारा का अभिप्राय शांति को धारण करना है और शांति को धारण करते हुए अगर हम सदास्तु जगह तथास्तु बोल दें, क्या एक बार तथास्तु दूसरी बार सदास्तु फिर तथास्तु, ऐसे कोई भी शब्दों का प्रयोग करें, शब्दों से बढ़कर हमें अभिप्राय और भावों को समझने की आवश्यकता है। अभिप्राय भाव यही है कि सदा ही ऐसा जो सोचा है वैसा हो, कहा है वैसा हो, इतने अभिप्राय से हम कोई भी शब्द प्रयोग करें। आप हिंदी में भी कह सकते हैं हाँ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा भी कह दे तो भी कोई दोष नहीं है। इसलिए शब्दों में ना उलझकर अभिप्रायों से हम उसको समझें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप अपने विकल्प हमें ऑडियो रूप से या लिखित रूप से हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह ईमेल आईडी है, इस पे भी आप अपने विकल्प भेज सकते हैं। सम्यक समाधान लोकप्रिय कार्यक्रम पारस टीवी के माध्यम से दोपहर को 4 बजे प्रसारित होता है। सम्यक समाधान 5:13 पे सुप्रभुआ चैनल पे भी प्रसारित होता है। आप सुप्रभुआ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। मुंशी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सुप्रभ उवाच भक्त परिवार सोलापुर।